अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनीस हैदराबादी के चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। और काफ़ी अरसे के बाद मैं व्लॉग भरने आया हूँ अपनी छत पे। अपने केज को भी लुक आफ्टर मैंने नहीं किया काफ़ी दिनों से, अपनी केज की सिचुएशन कैसी है। और आज रात बारिश भी हुई थी, मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम है, जबकि हमारा केज लीक तो नहीं हुआ। चलते हैं देखते हैं क्या सिचुएशन है केज की। तो ये केज अपना कुछ इस तरह, ये उसे मेरे पास सुबह को आया था, कह रहा था कि यार जो रात को बारिश हुई है केज जो है अपना लीक हो गया है, काफी पानी भर गया है, मैं साफ करने जा रहा हूँ। मैं सोचा कि ठीक है आप साफ करने जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो अभी मैं आया हूँ, उसे नहीं है साफ किया है। उजैर ने मुझे नहीं बताया कि सफाई तो उजैर ने की, लेकिन इस बॉक्स को उजैर ने नहीं छेड़ा। पता नहीं क्यों, अगर बंदा सफाई करता है तो बॉक्स को भी उजैर निकालता, लेकिन उजैर ने नहीं निकाला। तो ये देखो उजैर से अंडे मिस हो गए, नोट करना। शुक्र है कि उजैर ने ये बॉक्स नहीं फेंका, नहीं तो अंडे भी हमारे चार चले जाते। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये दिए किसने, ये दिए किसने, ये दिए किसने, ये दिए मुर्गी ने दिए चार अंडे। ओ यार यार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, चार अंडे दिए। 1 2 3 4 चार अंडे इसने दिए बेचारी ने। ये जो है ना, ये दो मुर्गे और एक मुर्गी है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है अंडे से दिए। ये अंडे ये पॉसिबल है फिलहाल? हाँ मुझे लगता है ये जो मुर्गी है ना, ये मिस्री मुर्गी है, इस वजह से जो है इसने अंडे दिए। मेल के बिना इसने अंडे दिए। मेल तो छोटा है ना, मेल तो छोटा है। मेल जो है ना वो कुकड़ू कुकू सुबह को ऐसे नहीं करता है मेल। और ये दूसरा जो मेल है ये भी छोटा है बहुत। और ये फीमेल, आपको याद है हम दो बच्चे लाए थे मुर्गियों के, उसमें से एक जो है वो एक्सपायर हो गया, बाकी एक ये बचा है। तो इसके लिए हमने ये बनाया था। माशाल्लाह चार अंडे, ये तो अच्छी बात है। इसको यहाँ रख देते हैं वापस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे अंडे दिए, मैं खुद हैरान हूँ कि चार अंडे अभी अभी आप लोगों के सामने मैंने देखा कि चार अंडे जो है वो मुर्गी ने दिए। और बिलाल की मुर्गी अंडे नहीं दे रही। बिलाल आपकी मुर्गी क्यों अंडे नहीं दे रही? पता नहीं यार, बिलाल की मुर्गियां जो है ना, बिलाल एक्चुअली मुर्गी जो लाया है वो दूसरे किस्म की लाया है। नहीं मिस्री है। मिस्री है तो क्यों नहीं दे रही? मिस्री वो छोटी है, छोटी है। अच्छा मेरी बात सुनो, मिस्री जो है ना विदाउट मेल के जो है ना अंडे देती है, वो तो पता है। ठीक है अब इसने भी ये दिए हैं अंडे, और मैं इसको क्या खिलाता हूँ, सिंपली जो है मैं इनको ये देता हूँ, ये है फीड। और ये आप गंदम देख सकते हो, ये गंदम ये उजैर खिलाता है। उजैर को मैं कहता हूँ कि यार जो है आप इनको ये चीजें दे दो। मेरे को लग रहा है उजैर को पता होगा, इसकी वजह से आपको सरप्राइज दे रहा होगा ये नंदड़िया। वाह नहीं कर नहीं कर, एक मिनट देखूं। एक ये है हमारी मुर्गी जो अंडा दिया था, ये देखो एक अंडा इसके अंदर है अभी भी देगी। काफी मुर्गी अच्छी है, मैं तो उसे फ्रॉम फर्स्ट डे से ये मुर्गी जो है वो अच्छी लग रही, वहां से ये मुझे मिल गई थी, नसीब था हमारा। ये चार अंडे एक हफ्ते से इसने दिए अंडे, क्योंकि मैं ऊपर नहीं आ रहा, उजैर ही आता है। उजैर शायद इस बॉक्स को लुक आफ्टर नहीं करता ना छेड़ता है, आज सफाई की वजह से उजैर ने बॉक्स को नहीं छेड़ा होगा आज भी, तो इसलिए आज मैं आया तो मुझे पता चल गया। आप उजैर आए, उजैर से पूछते हैं कि ये उजैर ने हमें सरप्राइज दिया क्या दिया है। अच्छा ये जो मुर्गी है ना, जब भी आप केज बना रहे हो इनको जो मुर्गियों को रखते हो, आपके पास अगर एक मुर्गी है या दो मुर्गी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक जैसे कि आपने ये केज बनाया है, केज बनाए सेपरेट सी जगह बना दो, ताकि आपकी जो मुर्गी है वो अंडे जाके वहां दे जाके। यहाँ आपके अंडे नहीं देंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी दो है ना चीजें, इनको चाहिए सुकून वाली जगह, इनको एक सेपरेट जगह चाहिए, ताकि ये इजीली जाके आराम से जाके ये अंडे दे और इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। केज से सेपरेट जगह है तो इसलिए इसने यहाँ अंडे दिए। ये हमारा चूचू, ये भी काफी बड़ा हो गया है चूचू, ये उड़ने जैसा हुआ है। ये देखो देखो कैसे गेट खुला हुआ है, माशाल्लाह। ये इतना उफ्लाय नहीं करता, लेकिन देखो कितना खूबसूरत हो चूची हमारा। ये काफी छोटा था, पाला था,
ये इसकी मदर की डेथ हो गई पिछले व्लॉग्स में आप देख सकते हो। कहाँ चला गया ये देखो, इसको बाहर छोड़े सामने नहीं, इसको अब अंदर छोड़ते हैं। अब मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितना ये बड़ा हो गया। बारिश के बाद जो है वो प्लांट्स फ्लावर है जो हमारे, ये कबूतर भी आ गया जो हमारे प्लांट्स है, ये बहुत ही घने घने हो गए हैं और कंट्रास्ट ऐसा मार रहे हैं झकास सा, अच्छा लग रहा है। ये प्लांट मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ये वाला कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला। ये बारिश के बाद जो है ना एक इनमें ऐसे लग रहा है इनमें कोई जान आ गई हो, क्योंकि रात को बारिश हुई थी बहुत सारी। और ये देखो उजैर ने मिर्चें लगाई थी, हरी मिर्चें भी हुई हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। उसे इसने लगाई नहीं है हरी मिर्चें, ये एक ये दो ये लोग किसी ज़बरदस्त लग रही हैं हरी मिर्चें। एवरी प्लांट लुक ऐसा दे रहा है, ऑसम वाला लुक दे रहा है। और ये स्केच को हम ये जो केज है ना ये जा नहीं रहा, इसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। इस हमारे जिसने ये केज बना के दिया था कारपेंटर, उसने हमें बहुत धोखा दे दिया, तो ये अब अंदर जा नहीं रहा। तो हम सोच रहे हैं कि स्केच को यहाँ रख दें, ये सामान हटा के स्केच को यहाँ रखेंगे। ये काफ़ी बड़ा केज है और आप लोगों की एडवाइस चाहिए मुझे कि क्या करना चाहिए, फिंचिस को या ये ऑस्ट्रेलियन बजीज को अंदर ही ऐसे छोड़ दें या मुर्गी को बाहर निकालें, क्योंकि मुर्गियाँ बहुत गंद करती हैं। तो इस हवाले से आज भी मुर्गियों ने बहुत गंद किया था, उसे ने सफाई की थी। तो मुझे बताएं कि मुर्गियों को कहाँ शिफ्ट करें हम और कैसा सेटअप बनाएं। हमारे पास ऑलरेडी केज तो है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल भी हम गए थे यूना फॉल के बच्चे लेने गए थे, वो भी हम लाते तो वो हम कहाँ रख, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए सेटअप, एक एडवाइस होती है वो आप मुझे एडवाइस दें। तो अभी करते हैं ब्लॉग को एंड, अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अंडे लेके जा रहे हैं हम, फ्रिज में रखेंगे। अंडे ये चार अंडे हो गए, ये चार अंडे बस।